वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पनीर टिक्का मिनी। उसके लिए हमें छोटा सा एक पीस चाहिए पनीर का, और इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। सबसे पहले जैसे कि अभी आप देख सकते हो, हमने इसके अभी छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने डाल देना है इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल देना है, और उसके बाद हमने नमक डाल देना है, स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर थोड़ा सा ही डाल देना है, और उसके बाद हमने डाल देना है इसमें एक आधा स्पून डाल देना है गरम मसाला, और हमें अमचूर पाउडर भी हाफ चम्मच इसमें ऐड कर देना है। ये हमने पीस करके रख दिया था अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो हमने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हमने ऐड कर देना है इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, और एक स्पून हमने इसमें डाल देना है दही का, ज़्यादा नहीं डालना है, एक ही स्पून डाल देना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा फूड कलर। अभी हमने इन सब को अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ये अच्छे से अभी मिक्स हो गया है। तो अभी हमने इसमें इस बार में एक ही स्पून इसमें एक बेसन का डाल देना है, और अच्छे से इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, इसमें अभी अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं। तो हम सबसे पहले फ्राई पैन रखेंगे, और इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेना है। स्लो आंच में रखना है इसको, फुल नहीं करना है, थोड़ा सा ही ग्रीस करना है। कोई भी आपके पास फ्राई पैन हो तो आप इसे ग्रीस कर सकते हो। और इसके बाद हमें एक एक पीस करके इसमें अच्छे से सेक लेना है। जैसे कि ये अभी आप देख सकते हो, ये अच्छे से अभी सिक चुके हैं। तो अभी हम इसको करेंगे सर, बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं बिना ऑयल के, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अभी हम इसको करेंगे सर। जैसे कि अभी आप सब देख सकते हो, ये अभी रेडी है, तो बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम अच्छे से बन जाता है बग़ैर ऑयल के। एक बार अभी आप इसे ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।